जय हिंद। इस वीडियो में लोग टाटा टेली सर्विस कंपनी के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि कल से इसमें अपर सेट लगा है, अर्थात 5% के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस रोज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसे में हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि सेबी ने इस कंपनी से क्या सवाल जवाब तलब किया था और इस कंपनी ने सेबी को क्या जवाब दिया है इसके बारे में भी आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस कंपनी से रिलेटेड कि इसका जो सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है वो कब लॉन्च होगा और इस ऐप का कंपनी के शेयर प्राइस से क्या रिलेशन है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे जो टाटा टेलीसर्विस कंपनी है इसी को शॉर्टकट में TTML के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि TTML दूसरा कंपनी और टाटा टेलीसर्विसेज अलग कंपनी है, ऐसा नहीं है। देखिए जो TTML है महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, आपको पता है, और यह टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप है 31,004 करोड़ रुपया तथा शेयर प्राइस देखेंगे 166.70 रुपया है आज के दिन का करंट शेयर प्राइस है और अभी अप ट्रेंड में है क्योंकि इसमें अपर सेट लगा है 5% का तो शेयर प्राइस अभी ऊपर ही जाएगा। हाई लगा चुका है 290 रुपये का। देखिए यह जो हाई है ऑल टाइम हाई है इस कंपनी का और यह हाई इसी साल इसने 11 जनवरी को बनाया था, उसके बाद से कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाने लगा था तो फाइनली 8 मार्च से इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हुआ था। 8 मार्च से देखेंगे तो 25 मार्च तक कंटिन्यू इसमें अपर सर्किट में चला है शेयर, लेकिन 25 मार्च के बाद फिर इसमें लोअर सर्किट लग गया और फिर 25 मार्च के बाद देखेंगे तो 30 मार्च के दिन यानी कि कल के दिन से इसमें फिर अपर सर्किट चालू हुआ है और अब अपर सर्किट लगा है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समय तक अपर सर्किट इसमें बरकरार रह सकता है। लेकिन एक बात तय है कि जब इतना जल्दी जल्दी इसमें अपर सर्किट लग रहा है और फिर लोअर सर्किट लग रहा है तो कहीं ना कहीं इस जो स्टॉक है यह इसको ऑपरेटर्स द्वारा रन किया जा रहा है और इस बात की संभावना से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता कि इसमें ऑपरेटर्स पूरी तरह से हावी हैं। अब बताइए 2 रुपए का स्टॉक बिना किसी फंडामेंटल के 290 रुपए पर पहुंच गया, मतलब क्या लगता है कंपनी के फंडामेंटल के बदौलत सिर्फ इतना हाई तक पहुंच सकता है? ऐसा नहीं है। आप समझेंगे सेबी ने इससे सवाल जवाब तलब किया था कि ये इतना जल्दी जल्दी इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, तो इस कंपनी ने कहा कि देखिए इसमें कोई फ्रॉडगिरी नहीं चल रहा है, कंपनी में सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल जैसा होना चाहिए व्यवस्था है और उसी के हिसाब से बाजार में जितने इसका डिमांड है शेयर प्राइस बढ़ रहा है और कम हो रहा है। लेकिन मेरा जो प्रोडक्शन कहता है वो ये है कि इस कंपनी का जो RSI 60 है और RSI देखेंगे तो RSI बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो जब RSI अप डाउन हो रहा है तो शेयर प्राइस अप डाउन होगा, मतलब जल्दी जल्दी लोअर सर्किट लगेगा और अपर सर्किट लगेगा, ऐसा चलता रहेगा। हालांकि अभी RSI 60 है तो ओवरऑल RSI ऊपर ही जाएगा, इसलिए इस लेवल पर जो नया व्यक्ति इसमें एंट्री करना चाहते हैं नया व्यक्ति अभी इस कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं करेंगे वरना फंस सकते हैं। और जो लोग पहले से इस कंपनी में शेयर बाय किए हुए हैं अगर वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेनी स्टॉक में सिर्फ प्रिडिक्शन होता है, कैलकुलेशन कुछ नहीं होता, इसलिए पेनी स्टॉक में आप 2 साल का टारगेट लेकर मत चलिए, उतना ही समय तक के लिए आप इसमें बने रहे जब तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है फिर निकल जाए, ज्यादा समय तक रुकिएगा तो नुकसान हो सकता है। अब समझिए शेयर प्राइस तो अभी ऊपर जाएगा, यहां तक तो बात समझ में आ गया। तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है पहला रेजिस्टेंस लेवल 180 रुपया और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 200 रुपए का। इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा पहला सपोर्ट लेवल 149 रुपए का और दूसरा सपोर्ट लेवल 139 रुपए का। अगर मान लीजिए फिर लोअर सर्किट लग जाता है तो शेयर प्राइस नीचे आ सकता है अधिकतम 139 रुपए का, यहां पर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसके बाद फिर ऊपर जाएगा ही जाएगा। और एक बात आपको मैं बताऊं कि जब अपर सर्किट लगा है इसमें तो देखेंगे इसका बाइंग प्रेशर बहुत बढ़ गया है, लगभग 53,95,000 लोग आज के दिन एमओ ऑर्डर डाले हुए हैं इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने के लिए। देखिए कुछ महान लोग होते हैं जो जब अपर सर्किट लगता है तो खरीदने के लिए बेचैन हो जाते हैं और जब लोअर सर्किट लगता है तो बेचने के लिए बेचैन हो जाते हैं, ऐसे मानो हर एक स्टॉक में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए जब इसमें अभी हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो मान के चलिए कि शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा और आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा क्रिएट होने लगा है, मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा। अब हम लोग आते हैं उस मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट के ऊपर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो समझेंगे। आपको पता है कि टाटा ग्रुप का एक डिजिटल सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है जिसकी चर्चा काफी समय से हो रही थी और यह ऐप जो होगा iOS और एंड्रॉइड दोनों पर लॉन्च होगा। इस ऐप के जरिए टाटा का ऐसा कहना है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको खाने पीने की चीजें, ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक चीज आप जैसे अमेजन पर ऑर्डर करते हैं टाटा ग्रुप के इस जो सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है उस पर भी ऑर्डर करके सभी चीज अपने घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। तो इस अपडेट की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल सकती है और मिलेगी ही मिलेगी। पहले यह समझ लीजिए कि यह जो सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है 2022 के शुरू में ही लॉन्च होने वाला था लेकिन बहुत देरी हो गया इसमें और अब फाइनली उम्मीद है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में यह सुपर ऐप लॉन्च होते हुए दिख सकता है। तो जैसे ही सुपर ऐप लॉन्च होगा तो इसका टारगेट बाजार में दिया जा रहा है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 185 रुपए को पार कर सकता है। और ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए कंपनी में वॉल्यूम जिस तरह से क्रिएट हो रहा है और अपर सेक्टर कुछ दिन तक बरकरार रह जाता है तो शेयर प्राइस आराम से 200 रुपए के लेवल तक पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर हो जाता है तो आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं, लेकिन नया लोग इस लेवल पर अभी एंट्री मत कीजिएगा। अब समझिए इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर 74.36% है, मतलब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भर भर के इसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
चिंता की बात यह है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत अधिक है। 19,700 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्ज है, जबकि आप देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व बिल्कुल नहीं है। देखिए -20,635 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, मतलब निगेटिव में है, लॉस में है, रिजर्व कुछ नहीं है। अगर कोई बुरा वक्त आ जाता है कंपनी के पास तो कंपनी इस स्थिति में सस्टेन नहीं कर पाएगी। जो प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है उसे बेचना पड़ेगा, ऑलरेडी कंपनी कर्ज में है। इसलिए इस निगेटिव चीज को देखते हुए इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करने की सलाह या हैवी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जा सकती। अगर आपके पास इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन नया लोग अगर इस लेवल पर एंट्री लेना चाहते हैं तो देखिए अभी RSI 60 के आसपास है, आपको इंतजार करना होगा। RSI 30-35 के आसपास आएगा, वहां पर आप एक छोटा अमाउंट जितना आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी हो उतना लगा सकते हैं, और जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको जो प्रॉफिट बुक होगा अपना प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से रिलेटेड मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आई होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।